आज बरसी है अम्मी के नानी जान। मैं चाह रही थी कि नानी जान छह दिन हो गए बीबी को गुजरे हुए। मुझे पता चला, मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। लगता है बीबी को परपोतों का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसीलिए हफ्ते भर में यूं अचानक इस दुनिया से चल बसी। कितनी ख्वाहिश थी उनको अपने पोते की खुशी की। बस बहन, क्या कर सकते हैं। बेचारी बहू, देखें से क्या हालत हो गई है इसकी। अभी बच्चे का दुख संभल नहीं पाया था इससे कि नानी की मौत का दुकान पड़ा। देखें कैसे रो रो के इसकी बुरी हालत हो गई है। इस तमन्ना को तो देखो, आंसू तो ऐसे बहा रही है जैसे बीबी की मौत का सबसे ज्यादा दुख इसी को ही है। भाभी से बात करती हूँ मैं, दो दिन में चलता कर देंगी इसे। तो रास्ते का आखिरी कांटा भी निकल गया। हाँ बहन, जो होना था वो तो हो गया। हाँ, क्या कर सकते हैं। हारून, आज शाम को जरा जल्दी आ जाना। दानिया को डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसका अपॉइंटमेंट है। पहला अपॉइंटमेंट भी वो बीबी की वजह से कैंसिल हो गया था, और अब तो मैंने एक हफ्ता बहुत ही मिन्नतें की हैं डॉक्टर की, तो उसने बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट दिया। ये मिस नहीं होना चाहिए। आ जाओगे ना शाम को जल्दी। सॉरी, आज नहीं हो सकता। इनफैक्ट इस पूरे हफ्ते नहीं हो सकता, मैं बिजी हूं। खाला, रहने दें, ये बहुत बिजी होते हैं, इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं। मैं खुद ही चली जाऊंगी। देखा, फिर नाराज कर दिया ना उसको। अरे उसका नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल करो। हारून, मुझे तो लगता है तुम्हें अपने बच्चे से कोई इंटरेस्ट नहीं, जरा भी खुशी नहीं है तुम्हें। मरने से पहले इस घर में मैं आसिया का नाम नफरत से नहीं, मोहब्बत से सुनना चाहती हूँ। उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ करके उसको फिर से वही इज्जत दिलवाना चाहती हूँ, ताकि उसके किरदार पर उठने वाली उंगलियां दोबारा ना उठ सके। आप ही मुझे छोड़कर चली गई। मम्मी, अब्बू, मामू जान, रशीदा भी,
सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। अब आप भी चली गई। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अकेली कैसे रहूंगी। अपनों के होते हुए भी कितना तनहा हूं। खौफ आने लगा है मुझे अब। उमर वो तो मुझसे इतना दूर हो गया कि उसके होने का एहसास भी नहीं होता। तमन्ना, अब क्या तुम सारी जिंदगी बैठ के आंसू बहाती रहोगी? बीबी को गुजरे हुए एक हफ्ता हो गया है। छोड़ो ये रोना धोना। ये क्या गम तुम्हारा अकेले का है? हमने नहीं देखा? हमने भी देखा, हमने भी सहा। अब ये रोना धोना छोड़ो, जाओ किचन के काम संभालो। और हां, आइंदा मैं तुम्हें इस कमरे में ना देखूं। कान खोलकर सुन लो। अरे उठो जाओ, पूरा किचन फैला हुआ है। दुनिया से चली गई हैं बीबी आप, लेकिन मुसीबत फिर भी छोड़ के गई हैं। अरुण आपके जूते भी नहीं। तानिया ये हार वो ये वो क्या हो? घबरा क्यों रही हो? तुमसे सिर्फ हार के बारे में पूछा है। जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने तो तुम्हें नहीं लेके दिया, तुमने ही खरीदा। ईमन का ही है। ईमन का हार तुम्हारे पास क्यों था? वो इकट्ठे ही शॉपिंग पे गए थे जब उसने ये खरीदा। वो गलती से मेरे सामान में रह गया था। अच्छा, वैसे लग काफी कीमती रहा है। ईमन की तनख्वाह में मुझे नहीं लगता कि इतने का हार आ सकता है। जहां तक मुझे याद पड़ता है उसने शायद सिर्फ एफए किया है। अब ऐसे करने के बाद इतनी अच्छी नौकरी लगना, इतनी अच्छी तनख्वाह मिलना, अजीब सी बात है। बैठो। ये मैं रख देती हूँ, ईमन को वापस कर दूंगी। बोलो, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? प्रॉब्लम हो गई है ईमन। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम?
ये देखो। ये क्या है? शहरयार ने दिया है, बहुत महंगा हार है। हाँ वैसे महंगा तो बहुत है। तो क्या हारून ने देख लिया है? मुझे लग रहा है कि उन्हें शक हो गया है। शक होता है तो होने दो। क्या? हाँ देखो दानिया, हारून तमन्ना के ख्यालों में दिन रात खोया हुआ होता है, कभी कहीं तो कभी कहीं, और बाहों में तो वो उसे ऐसे भरता है जैसे दुनिया में सिर्फ एक वही रह गया उसे सहारा देने के लिए। तो अगर इस बीच तुम्हें कुछ खुशी के पल किसी के साथ गुजारने का मौका मिल रहा है तो क्या हो जाएगा? और इन सब के लिए उसने तुम्हें खुद मजबूर किया है। अगर वो तुम्हें वो प्यार वो अटेंशन देता तो क्या तुम किसी और के बारे में सोचती? उस शहरयार जैसे शख्स के बारे में सोचती? नहीं ना। तो फिर दानिया, मेरी मानो तो अगर जिंदगी तुम्हें कुछ खुशी के पल गुजारने का मौका दे रही है तो एंजॉय, और कुछ नहीं होगा, बिलीव मी। और अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता तो शहरयार को तुम इसी जगह पर बुलाकर उसे यह हार वापस दे देना। अब ठीक है? ईमन का है ये। वो इकट्ठे ही शॉपिंग पे गए थे जब उसने ये खरीदा, वो गलती से मेरे सामान में रह गया था। हेलो हारून, क्या आप मेरे क्लिनिक आ सकते हैं? जी मैं आ सकता हूँ, लेकिन खैरियत? जी मैं आता हूँ। तो क्या करना है वस्ता मन्ना का, कुछ सोचा आपने? मैं तो कहती हूँ चलता करें उसे यहां से, धक्के देके निकालें उसे घर से। जिस दिन का मुझे इंतजार था ना, मेरे ख्याल से आज वो आ गया। अब मजीद हमें वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी उमर से बात करती हूँ और आज उसे धक्के देके निकालूंगी। मैं ये रिपोर्ट उनके घर भी भिजवा सकती थी, लेकिन मुझे भेजना मुनासिब नहीं लगा। वो लोग उस दिन बहुत वियर्ड किस्म का बर्ताव कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा ये रिपोर्ट्स मुझे आपको दे देनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि बच्चा तमन्ना और उमर का था? क्यों, आपको कोई शक था? बिल्कुल भी नहीं, कि मैं तो खुश हूं कि इस बात से ये चीज साबित हो गई कि ये तमन्ना पे एक बहुत घटिया किस्म का इल्जाम लगाया जा रहा था। मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था, इसलिए तो ये रिपोर्ट्स मैं आपके हाथ में दे रही हूँ। थैंक यू। हमें, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, अब तो बीवी भी नहीं है जो तुम्हें कोई रोके। दो से तलाक और निकालो उसको धक्के देके घर से। भूल गए? इतनी जल्दी भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। अम्मी मैं कुछ नहीं बोला, मैं बस आपसे ये कह रहा हूं कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं तलाक नहीं दे सकता उसे। उमर तुम्हें आज ये फैसला करना होगा।
ठीक है, तुम उसे तलाक नहीं दे सकते ना, लेकिन मैं तो उसको इस घर से निकाल सकती हूं, बल्कि आज अभी इसी वक्त मैं उसे धक्के देके इस घर से निकालूंगी। हमें क्या किए? तुम इस घर में नहीं रह सकती। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, मेरे बच्चों की खुशियां बर्बाद कर दी है, इस घर को तोड़ दिया और तुम्हारी जिंदगी दी हूँ, तुम्हारे कसूर के। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ उमर? जाओ मम्मे, चलो चलो। उमर उमर देखो मुमानी क्या कह रही है, घर से निकाल रही है मुझे, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, ये मुझे इस तरह कैसे निकाल सकती हूँ उमर? इतनी जल्दी भूल गए उसने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही। मिल गया जवाब तुम्हें? दे दिया मेरे बेटे ने तुम्हें जवाब? चल क्या ये क्या कह रही अम्मी आप? अरे जुबैदा भाभी गई है उमर को लेके तमन्ना के पास, जैसी तमन्ना इस घर से दफा होगी ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी उमर के साथ, मैं मना लूंगी जुबैदा भाभी को। अरे लेकिन चलो चलो तुम निकलो यहां से, चलो। मानी खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मैं इस वक्त कहां जाऊंगी, सुबह तक की मोहलत तो दीजिए मुझे। दरवाजा है ना, इस दरवाजे से निकल कर दफा हो जाओ हमारे घर से। मानी आपको अल्लाह का वास्ता है, छोटी मुमानी आप ही ने कुछ समझाएं। हेमन हेमन तुम इन्हें कुछ समझाओ। चलो क्या हो रहा है ये सब? हारून ये लोग मुझे घर से निकाल रहे हैं, तुम प्लीज इन्हें कुछ समझाओ। मगर क्यों, किस लिए, क्या किया इसने? ये तमन्ना जो है ये बदकिरदार है, बच्चे लड़की है। बदकार और बदचलन के बारे में तो आप मत बात करें, आपकी बेटी की हरकत से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। हे क्या कह रहे हो? हारून ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी घर की बेटी के ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो? क्यों खाला, ये आपकी बहू नहीं है? क्या बहू बेटी की तरह नहीं होती? हारून तुम हमारे घर के मामले में मत बोलो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कितनी बाकिरदार है। मगर मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि ये सब क्यों किया जा रहा है और किस लिए कहा जा रहा है इसको, और उसका जवाब भी है मेरे पास। देखना चाहते हो? बल्कि आप सब देखना, पढ़ो इसको। ये वो रिपोर्ट है, ये वो सच्चाई है जो ये बताएगी, पूरी दुनिया को बताएगी, पूरे इस घर को बताएगी कि ये बच्चा तुम्हारा और तमन्ना का था।
और जो इल्जाम आप लोग इसे घर से निकालने के लिए लगा रहे हैं महज एक झूठ था। उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नफरत थी। और उमर, मैं नहीं जानता कि उस दिन उसे यहां धक्का मार के गिराया गया था या खुद से गिरी थी, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि उस बच्चे का कातिल कोई और नहीं तुम हो बल्कि आप सब हैं। और तुम फिर भी चाहते हो कि इसे तुम घर से निकालो। हाँ, लेकिन उससे पहले उमर, इस बच्चे के कत्ल का हिसाब तुम्हें देना होगा। आप सबको देना होगा। और ये बच्चा तुम्हारा था, तुम्हारा बच्चा था ये। था क्या, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम तमन्ना के काबिल ही नहीं थे। तमन्ना जैसी लड़की को तुम्हारा जीवन साथी होना ही नहीं चाहिए था। क्या तुम इसके लायक हो? मैं सब कुछ जानती हूं हारून, अब तुम मुझे सच बोलने पे मजबूर ना करो। इससे पहले कि मैं सच बोलूं और हमारे रिश्ते का भरम टूटे, तुम यहां से चले जाओ। मैं नहीं जानता कि उस दिन उसे यहां धक्का मार के गिराया गया था या खुद से गिरी थी, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि उस बच्चे का कातिल कोई और नहीं तुम हो बल्कि आप सब हैं। मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? मैंने अपने ही बच्चे का अपने हाथों से खून कर दिया। कातिल हूं मैं अपने बच्चे का? तमन्ना का मुजरिम हूं मैं, तो तमन्ना से माफी भी नहीं मांग सकता। वो आप आज काफी लेट नहीं हो गए? क्यों, मेरे जाने की इतनी जल्दी क्या? आज किसी कॉल है?
अननोन नंबर है, मेरे ख्याल है रॉन्ग नंबर होगा। हेलो पूछ लो कौन है। रहने दे खुद ही बंद हो जाएगा। लो मेरी बात करो। रहने दे खुद ही बस बंद हो जाएगा। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम तमन्ना के काबिल ही नहीं थे। तमन्ना जैसी लड़की को तुम्हारा जीवन साथी होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि उस बच्चे का कातिल कोई और नहीं तुम हो। तमन्ना, तमन्ना प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। सारी की सारी गलती मेरी थी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं तमन्ना। तुम मेरे नहीं, मेरी औलाद के मुजरिम। इतना घटिया इल्जाम लगाकर तुमने मेरी रूह को जख्मी किया है। मैंने तो ना चाहते हुए भी तुम्हें अपनाया, तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया। तुमने क्या किया? झूठ बोलकर मुझे हासिल किया। और फिर सफर शुरू होते ही मुझसे हाथ छुड़ा लिया। तन्हा छोड़ दिया मुझे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। माफी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो, क्योंकि अब तुम्हें कभी सुकून नसीब नहीं होगा। हेलो, कैसी हैं जनाब? कहाँ गायब हैं? कब से कॉल कर रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठाती। आपको पता है आपको कितना मिस कर रहा हूँ। वैसे एक बात तो है दानिया, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्या है कि कुछ दिल को छू गया है। एक बात पूछूं? जी। क्या तुमको भी कुछ ऐसा महसूस होता है मेरे बारे में? शहरयार साहब, मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, प्लीज मुझसे ऐसे सवाल मत किया कीजिए जिनका मैं जवाब न दे सकूं। तुम्हें पता है कि तुम जवाब दे भी चुकी हो और तुम्हें पता भी नहीं चला। बहुत सी बातों का जवाब जो होता है वो हाँ बोलकर नहीं दिया जाता, सिर्फ लफ्जों में तलाश करना पड़ता है, जो मैंने कर लिया। और तुम्हारी छुपी हुई हां भी मैंने सुन ली। खैर छोड़ो इन बातों को, एक काम करते हैं कि लॉन्ग ड्राइव पे चलें। पिक करूं तुम्हें? नहीं, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती। आना तो तुम्हें पड़ेगा, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो जाने। बाय।
क्या कर रही हो? अब ऐसी भी क्या बेरुखी हारूं? क्या मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस नहीं आ सकती? एमन, ये कोई पब्लिक प्लेस नहीं है जहां तुम मुंह उठा के इस तरह आ जाओ। ये मेरा ऑफिस है और वैसे भी तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई इस तरह की बेतकल्लुफी नहीं है। हारून, वैसे मैंने हमारे इस बीच के तकल्लुफ को बेतकल्लुफी में बदलने की बहुत कोशिश कर ली, मगर आप है कि इस दीवार को कभी गिरने ही नहीं देते। कभी वो तमन्ना तो कभी वो दानिया। बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ। हाँ हाँ, चली जाऊंगी, लेकिन एक बात जरूर याद रखना हारून, एक ना एक दिन आप मेरे पास जरूर आएंगे। और हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपकी बीवी इस वक्त कहाँ पर है? क्या मतलब? वो इस वक्त एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रही है, लेकिन अकेले नहीं, किसी के साथ, किसी ऐसे शख्स के साथ जो जो उसके बहुत करीब है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक ऐसी लड़की जो तुम्हारी कजन है और तुम्हारी दोस्त जिसे तुम कहते हो, तुम उस पे इस तरह का घटिया इल्जाम लगा रही हो? यकीन नहीं आता ना मुझ पर? तो जाकर खुद देख लो अपनी इन आंखों से, फिर शायद आपको आपकी सच्ची मोहब्बत पर यकीन भी आ जाए। ठीक, देख तो मैं लूंगा, लेकिन अगर ये झूठ निकला ना तो तुम्हें नहीं मैं छोड़ूंगा। चलो यहां से। भाभी, अब वो तमन्ना का क्या करना है, क्या सोचा है आपने? मैं तो कहती हूँ धक्के देकर घर से बाहर निकालें उसे। सोचा तो मैंने भी यही था ज़किया, कि बीबी की आंखें बंद होते ही मैं उसे धक्के देके बाहर निकालूं। लेकिन ये हारून ने उसे रिपोर्ट दिखा के मेरा सारा काम खराब कर दिया। और अब उमर अपने बच्चे को खोने के डर से तमन्ना को तलाक नहीं दे रहा। तो फिर अब क्या करेंगी आप भाभी? मैंने फैसला किया कि मैं अब उसे इसी घर में रखूंगी। ये क्या कह रही हैं? और वो उमर की शादी, उसका क्या, वो कैसे करेंगी? या वो इरादा भी बदल लिया आपने हैं? नहीं, वो तो मैं करवा के ही छोड़ूंगी। इसे इस घर में अपनी बहू बना के नहीं, अपने पांव की जूती बना के रखूंगी। नौकरों से भी बदतर हाल करूंगी, दिन रात इतना जलील करूंगी कि मुझसे पनाह मांगने पे मजबूर हो जाएगी। बीवी होकर भी उसे बीवी का सुख नहीं लेने दूंगी। रहेगी तो उमर की बीवी ना, उसके होते हुए कोई अपनी बेटी तो नहीं देगा उमर के लिए आपको? वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी, कोई ना कोई प्यारी सी लड़की अपने उमर के लिए। इससे पहले आप कुछ कहें प्लीज। ये क्या? आपका हार जो आपने मुझे दे दिया। लेकिन मैंने तो ये, I'm sorry, मैं यूं किसी से गिफ्ट नहीं ले सकती। लेकिन आपने तो मुझे अपना दोस्त माना। मैंने बहुत सोचा, शहयार साहब एक शादीशुदा औरत यूं दोस्त नहीं बनाया करती, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका शौहर होता है। जानते हैं, शादीशुदा रिश्ते में जब भी कोई तीसरा आता है ना, तो उन दोनों के रिश्ते में दरार आ जाती है, चाव आ जाता है, चाहे वो तीसरा उनका बेहतरीन दोस्त ही क्यों ना हो। चलें ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हम अपनी दोस्ती की खातिर आखिर कॉफी रख लीजिए।
सके ना।